तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको नगर परिषद मैदान कांगड़ा से दिखाई जा रही हैं, जहां पर नगर परिषद मैदान के स्टेडियम के साथ लगते इस कमरे में भयानक आग लग चुकी है और बताया जा रहा है कि इस कमरे में सिलेंडर भी रखे हुए हैं। अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो है अभी अभी मौके पर पहुंची है, पुलिसकर्मी भी जो है वे मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको नगर परिषद मैदान कांगड़ा से दिखाई जा रही हैं, जहां पर नगर परिषद मैदान कांगड़ा इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नगर परिषद मैदान का स्टेडियम है, उसके साथ लगते कमरे में भयंकर आग लग चुकी है। आग लगे हुए करीब करीब अभी 5 मिनट हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस कमरे में रखे हुए हैं और अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो है मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वे भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो प्रत्यक्ष दर्शी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात इनसे भाई आपका शुभ नाम बताए भाई, आग कैसे लगी, कैसे इसके बारे में पता लगा? इसके बारे में तो हम आज जब आए तो यहाँ धुन काफ़ी निकला था, फिर हमने इन्फॉर्म किया फायरब्रिगेड वालों को, अभी पहुँचे धीरे धीरे वो आग बढ़ती चली। भाई ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें सिलेंडर भी रखे हुए? हाँ, तो जो रहते थे उनमें से खड़ा था वो बता रहा था। हाँ, छोटा सिलेंडर। किसी की रहसी है यहाँ पे? ये एक्चुअली नगर परिषद का कमरा है, जो उन्होंने अपनी डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं उनको रहने के लिए दिए हुए। तो यहाँ पर कोई रहता है इस टाइम? इस टाइम पर कोई इंसान रहता कोई नहीं है। तो मतलब जो रहते हैं आप रहते हो यहाँ पे? आप रहते हो दूसरा बंदा रहता है अंदर, है तो नहीं कोई? तो देखिए मौका पर जो मौजूद है प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा बताया गया कि अभी 4 से 5 मिनट पहले जो है ये आग लगी है और इसमें नगर परिषद मैदान के जो कूड़ा उठाने वाले जो कर्मी हैं वे यहाँ पर, उनको यहाँ पर ये कमरा जो है दिया गया है जहाँ पर अचानक से आग लग चुकी है। मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, थाना प्रभारी भी जो है मौके पर पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरें नगर परिषद मैदान कांगड़ा से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर नगर परिषद मैदान के साथ स्थित कमरे में अचानक आग लगने से आसपास के लोग जो है वे सहमे हुए हैं और काफ़ी भीड़ यहां पर जो है वे एकत्रित हो चुकी है। की तस्वीरें सामने आई है, जहां ये जो कमरा है सर, जो प्रत्यक्ष दर्शी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो कमरा है ये कमरा जो नगर परिषद मैदान के सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा रखे गए सफाई कर्मचारी हैं उनका ही उनके वो कमरा जो है ये रहने के लिए दिया हुआ है। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बहन हादसे में पूरी तरह से जख्मी है और वहीं उनके बहनोई की इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप घर पहुँचते हुए जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है आग बुझाने का की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है। मौका पर जो है थाना प्रभारी कांगड़ा भी पहुंचे हुए हैं। कोई तो आदमी कोई अंदर था नहीं कोई। तो आग बुझाने का कार्य जो है अग्निशमन विभाग के जो यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है।
दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने हैं, जहां साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से जा टकराई। आपको बता दें कि इस भयंकर हादसे के बाद बॉलीवुड अभिनेता पर दुखों अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का कार्य जो है शुरू हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आपको मौका से दिखाई जा रही हैं। कांगड़ा नगर परिषद मैदान का जो स्टेडियम है उसके साथ लगते ये जो कमरा है, इसमें अचानक से आग लगने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है बताया जा रहा है। लगता जो है मशक्कत अग्निशमन के भी जो कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं उनके द्वारा आग बुझाने की जो मशक्कत जो है लगातार उनके द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर नगर परिषद मैदान में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूँ, तस्वीरें इस वक्त आपको नगर परिषद मैदान कांगड़ा के साथ लगते स्टेडियम की दिखाई जा रही हैं, जहां पर नगर परिषद मैदान का जो स्टेडियम है उसके साथ लगते जो ये कमरा है, इस कमरे में अचानक से आग लगने से आसपास के लोगों में काफ़ी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सहम गए हैं, क्योंकि और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कमरा है यहाँ पर ये रिहायशी थी किसी की, यहाँ पर लोग जो है रहते थे और ये कमरा जो है ये नगर परिषद मैदान नगर परिषद में रखे हुए जो सफाई कर्मचारी है उनको ये कमरा जो है वे दिया गया था। और अचानक से आग लगने से जो है ऐसा जो प्रत्यक्ष दर्शी उनके द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि इस कमरे में लोग रहते थे और इसमें सिलेंडर भी रखे हुए थे। आपका सामान था अंदर? सामान था अंदर? आप कितना सामान रखते हैं? मैं यहाँ पर दो बंदे रहते हैं। आप ही रहते हैं? मैं नहीं रहता, दूसरा बंदा, मेरा ही बंदा है, पर दो बंदे रहते हैं।
खबर पहुंचे हुए अग्नि शमन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा आग पर काबू पाने की जो प्रक्रिया है निरंतर कहाँ गया मौके पर डीएसपी कांगड़ा जो है मौके पर अपनी पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। Thank you.
मौके पर पहुंचे हुए जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा आग पर अब पाया जा चुका है और मौके पर डीएसपी कांगड़ा जो है पहुंच चुके हैं, साथ में नगर परिषद अध्यक्ष रेणु शर्मा जो है वह भी मौके पर पहुंच चुकी है। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूं, तस्वीरें इस वक्त आपको नगर परिषद मैदान कांगड़ा स्टेडियम के साथ लगते 3 मंजिला एक इमारत है जिसके की सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ऊपर वाले कमरे में अचानक से आग लगने से काफ़ी ज़्यादा यहां पर बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहां पर हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंचे हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया जा चुका है। मौका पर डीएसपी कांगड़ा और एसएचओ कांगड़ा निस्मस पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं, साथ में नगर परिषद अध्यक्ष रेणु शर्मा जो है वे भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। जल्दी खाना भी नहीं बनाता, अकेले रहता था होटल में खाली सब सुबह से काम है, अब नाला सब निकाल रहा था नाला उतार के मौके पर पहुंचे हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारी द्वारा आग पर नियंत्रण पा लिया जा चुका है। गनीमत ये रही कि जिस समय ये आग लगी हुई थी उस समय इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। Thank you.
बड़ी इसको बोलना मौके पर पहुंचे हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारी द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया जा चुका है। Okay.
आग बुझा रहे हैं। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूँ, तस्वीरें इस वक्त आपको नगर परिषद मैदान कांगड़ा के स्टेडियम के साथ लगती 3 मंजिला इमारत दिखाई जा रही है, जहां पर सबसे पहले ये जो बिल्डिंग है, ये जो मरा है, यहां पर अचानक से आग लगने से आसपास के लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहां पर इकट्ठा हो चुके थे। अग्निशमन विभाग के से ही इसकी सूचना दी गई, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुँच कर आग पर नियंत्रण पा लिया है। और यहाँ पर मौका पर DSP कांगड़ा, SHO कांगड़ा अपनी समस्त पुलिस टीम के साथ पहुँच चुके हैं, साथ में नगर परिषद अध्यक्षा रेणु शर्मा भी मौके पर पहुँच चुकी हैं। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, मैं हूँ राजीव जसवाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं अगले लाइन। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।